सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एंड टेक अपडेट्स चैनल को और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले सारे डिफेंस और टेक अपडेट्स के वीडियोस की नोटिफिकेशन को पहले देख सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट, पर्सनल कोर्स, गैजेट अनबॉक्सिंग और टेक न्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो है डिफेंस अपडेट को आपके साथ शेयर करने वाले। दोस्तों, जब पुलवामा में अटैक हुआ तभी मैं था रानीखेत में, जो कि एक आर्मी का इंस्टॉलेशन कैंप है वहाँ पे। तो दोस्तों, सुन के मुझे काफी बुरा लगा उस वक्त मॉर्निंग के टाइम पे। दोस्तों, जब ये अटैक हुआ 14 फरवरी को, तभी मुझे पता भी नहीं था कि ये अटैक को अंजाम दिया गया जम्मू एंड कश्मीर में। तभी मैं रानीखेत में ही था और तभी काफी बड़ी मैंने परेड देखी, तो मुझे लगा वो एज यूजुअल कोई मिलिट्री की परेड होगी। बाद में पता चला कि सोल्जर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरी ब्रिगेड वहाँ पे आई हुई है। तो दोस्तों, सुन के काफी बुरा लगा। और अभी भी दोस्तों, आप टेलीविजन, मीडिया, न्यूज सबके ऊपर आपको यही सब देखने मिलेगा। दोस्तों, आजकल न्यूज में काफी सारी चर्चा हो रही है कि भाई शायद जंग छिड़ सकती है, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ दोस्तों, जंग तो नहीं होगी, कोई वॉर नहीं होगा। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस एक्शन जरूर लेगा, लेकिन वॉर कभी नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। क्योंकि दोनों कंट्री जो है दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान, वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि वॉर स्टार्ट करना काफी ईजी है, लेकिन एंड कहाँ जाके होगा ये हम सब जानते हैं। तकरीबन दोस्तों, हमारी इकोनॉमी 10 साल के लिए पीछे चली जाएगी, काफी इफेक्ट होगा। इससे महंगाई तो काफी बढ़ेगी दोस्तों, काफी सारे डिसएडवांटेजेस है वॉर होने के। एडवांटेज तो कोई भी नहीं दोस्तों, जंग से सबको हमेशा नुकसान ही हुआ, किसी को कभी फायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट की ओर हम नजर डाल देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की ओर। पुलवामा में टेररिस्ट अटैक के बाद इंडिया अब कुछ वक्त के लिए शांत है, क्योंकि दुश्मन इस वक्त चौकन्ना है। हालांकि इंडियन सिटीजंस का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। एलओसी से लगे सारे गांव और कैंप्स को खाली कर दिया गया है। कल पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने खुद एलओसी का दौरा किया था। इससे एक क्लियर पता चलता है दोस्तों कि पाकिस्तान जो है कितना बौखला गया है, कितना डर गया है। बढ़ते सेकेंड डिफेंस अपडेट की ओर। टाइम्स ऑफ इंडिया में आए एक रिपोर्ट के हिसाब से पाकिस्तान के 2 मिलिट्री बेसिस, जो कि बलूचिस्तान और पीओके में मौजूद है, वहां पर पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्ट्री से 2 लेटर्स भेजे गए हैं और उन डॉक्यूमेंट के हिसाब से पाकिस्तान अभी जंग के लिए तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान के क्वेटा लॉजिस्टिक्स हेडक्वार्टर्स की तरफ से जिल्लानी हॉस्पिटल को एक इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट फैसिलिटी को तैयार रखने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, जिससे ये पता चल चुका है कि पाकिस्तान जंग के लिए तैयारी कर रहा है। और अगर जंग हुई तो काफ़ी सारी कैजुअलिटीज भी होगी, जिसके लिए दोनों कंट्रीज को रेडी रहना पड़ेगा। बढ़ते थर्ड डिफेंस अपडेट की ओर। आप सभी को पता होगा कि अभी एरो इंडिया शो 2019 चल रहा है बेंगलोर में, और इसी ही ओकेशन पर रशिया की तरफ से FGFA प्रोजेक्ट को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया और रशिया के बीच में FGFA प्रोग्राम को 2009 में इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट के तहत साइन किया गया था, लेकिन 2018 में इंडिया ने बैकस्टेप कर लिया था। रशिया के मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन डेप्यूटी डायरेक्टर का कहना है कि ये ऑफर नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाइमलाइट में चल रही है और बहुत जल्दी इंडिया शायद FGFA प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेगा, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। फोर्थ अपडेट आ रहा है दोस्तों C-17 एयरक्राफ्ट को लेके। आप सभी को पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स का C-17 हैवी लिफ्ट प्लेटफॉर्म का एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट माना जाता है, और इस एयरक्राफ्ट को मिलिट्री ऑपरेशंस के अलावा रिलीफ ऑपरेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन टोटल 10 C-17 एयरक्राफ्ट अवेलेबल है, और अभी एक और C-17 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हमें बोइंग की तरफ से बहुत जल्दी मिलने वाली, जो कि काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों, C-17 एयरक्राफ्ट के ऊपर मैं जो है बहुत जल्दी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। पांचवी डिफेंस अपडेट आ रही है MRF टायर को लेके। MRF टायर की तरफ से अभी एरो इंडिया शो के ओकेशन पर यह बताया गया कि वो तेजस और MiG-29K जैसे फाइटर प्लेन्स के टायर्स को ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, और इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उन्हें अप्रूवल मिलने के बाद वो उसकी प्रोडक्शन को शुरू कर सकते हैं। 2013 में MRF को हमारे सुखोई SU-30 MKI के लिए टायर्स डेवलप करने के ऑर्डर्स दिए गए थे, और अभी हमारी SU-30 MKI की फ्लीट के सारे फाइटर प्लेन्स में उनके ही टायर्स यूज किए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और MRF टायर जो है अपने कमिटमेंट के ऊपर खरा उतरा है, और वो हर एक ऑर्डर्स को, हर एक डिलीवरी शेड्यूल के पहले उनके ऑर्डर्स को कंप्लीट कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। सिक्स्थ अपडेट निकल के आ रहा है रशियन हेलीकॉप्टर्स की ओर से। एरो इंडिया शो के दौरान रशियन हेलीकॉप्टर की ओर से 2 तरह के हेलीकॉप्टर्स को डिस्प्ले किया गया था, जिनमें से एक था KA-22-60, जो कि एक नेवल वेरिएंट था, और दूसरे हेलीकॉप्टर की बात करूं तो ये था MiG-17-182 हेलीकॉप्टर। रशियन ऑफिशियल के हिसाब से MiG-17-182 हेप्टर को 2019 में इंडियन डिफेंस को डिलीवरी किया जा सकता है। अगर हम KA-22-60 हेप्टर की बात करें तो ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया ने पहले भी ये कहा था कि वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 22-60 को मॉडिफाई करके इंडिया को दे सकता है। पहले ही इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के लिए 197 KA-22-60 के लिए रशिया और इंडिया के बीच में डिस्कशन चल रही है, और अभी इनको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, इसके लिए डिसीजन पेंडिंग है। सेवंथ अपडेट निकल के आ रहा है पुलवामा को लेकर। पुलवामा में हमले के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने जवानों की सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। श्रीनगर से जम्मू एंड कश्मीर आर्मी कैंप्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशन बेस के लिए अब हमारे जवान बाय रोड नहीं जाएंगे, उन्हें अब बाय एयर ही भेजा जाएगा। मान लीजिए अगर
बाई एयर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर के अंदर है तो उन्हें इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया जाएगा, और डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उन्हें इंडियन एयरफोर्स के ड्रोनियर एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करना होगा। और ये ऑर्डर सभी सीनियर लेवल ऑफिसर से लेकर कॉन्स्टेबल और हवलदार तक लागू किए गए, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस ऑर्डर्स के तहत CRPF, SF, Para-SF, BSF, NSG, मार्कोस और किसी भी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बढ़ते एक डिफेंस अपडेट की ओर। एरो इंडिया शो के दौरान कल वहां पर पार्किंग लॉट में खड़ी गाड़ियों में अचानक से आग लग गई, जिसकी वजह से शो को रोक दिया गया और एयरफोर्स के असेट को किसी भी तरह का बड़ा लॉस ना हो इसकी वजह से इस शो को पोस्टपोन कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो करीब 100 गाड़ियां जलकर खाक हो गई है। अभी इसके ऊपर तहकीकात जारी है कि इन गाड़ियों में आग किस तरह से लगी। बढ़ते हैं 9th अपडेट की ओर। 9th अपडेट आ रहा है अमेरिका को लेके। एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में से ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस जो है काफ़ी बिगड़ते दिख रहे हैं और उनकी वजह से पूरे एशिया में जो है काफ़ी अनस्टेबिलिटी हो गई है। अगर कल वॉर डिक्लेयर होता है तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे, और इंडिया जो है इस वक्त काफ़ी शांत बैठा है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह बताया कि उन्हें डर है कि इंडिया जो है कुछ काफ़ी बड़ा प्लान कर रहा है और पाकिस्तान को जो है काफ़ी इससे नुकसान हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की ये डिफेंस अपडेट अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर हिट करना ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।